नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। अभी अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जैसा कि मैं दोपहर में ही बोला था कि रिजल्ट आपका शाम तक आ जाएगा, तो थोड़ा देर रात तक आया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती उन्नति बोर्ड का आया है। इसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड के सहायता से जो 54 पालियों में आयोजित किया गया था लगभग 18 दिनों में, उसके बारे में बताया हुआ है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है ये बताए हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बताए हैं कि लगभग 3.5 गुना बुलाया गया है और महिलाओं के केस में ये 4 गुना बुलाया गया है। ये आप समझते हुए चलिएगा। जो कट ऑफ है वो एएसआई की तरह ही थोड़ी सी हाई गई है। अब क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 10,000 थी, तो एएसआई से थोड़ा सा तो कम जाएगा ही। वैकेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ फिर भी हाई है। 302 अनरिजल्ट में गया है, 302.09। 302 मतलब कि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो लगभग 120 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम डिवाइड करेंगे 302 को 2/5 से, तो लगभग 120 क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही अगर हम अनारक्षित का स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी में देखें तो 228 नंबर यानी 91 क्वेश्चन है। भूतपूर्व सैनिक का 94 क्वेश्चन यानी कि 236 नंबर है। और महिलाओं का 111 गया है। EWS का OBS की अपेक्षा कम गया है, ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन कम है लगभग। EWS का 114 क्वेश्चन जहाँ पे गया है, वहीं पे OBC का जो है वो 115 गया है। तो EWS का कम गया है OBC से, जैसा कि प्रेडिक्ट था पहले से ही। और यहाँ पे SC का 260 नंबर गया है यानी 104 क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति का 89 क्वेश्चन गया है यानी कि 223 नंबर। तो भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से इस समय काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से रिजल्ट निकाल रहा है। इसकी भी DVPST जैसे कि डेट आपको पहले ही वायरल हो चुकी नोटिस, और वही डेट भी रहेगी आपका यहाँ पे 25 अप्रैल से लेकर 7 मई तक उसमें DVPST हो जानी है। 19 तारीख से आपका ASI का होना है। तो उम्मीद है ये आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट भी आ गई है। लिस्ट अगर आप यहाँ पे देख सको तो ये पूरी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जो भी आपको याद हो वहाँ पे कंट्रोल F करके आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर दिख जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। चलिए, ये तो एक जानकारी थी छोटी सी। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।